हाय फ्रेंड्स, तो आज हम लेकर आए हैं एकदम नए तरीके के नाश्ता जो बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार है। यकीन मानिए, आपने इसे आज से पहले कभी नहीं बनाया होगा। बच्चे बड़े सभी को बहुत ही पसंद आएगा। तो देर किस बात की, चलिए इसे हम बनाना शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो इस टेस्टी और मज़ेदार रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हम दो ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं। आप कोई सा भी ब्रेड के स्लाइसेस ले सकते हैं, व्हाइट या ब्राउन, दोनों में से आप कोई भी ले सकते हैं। और अब हम इस ब्रेड को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लेंगे इस तरह से। और ये देखिए, ब्रेड को हम तोड़ लिए हैं और अब हम इसको एक जार में डाल लेंगे। यहाँ पर हम एक मिक्सर जार ले लिए हैं, इसमें हम जो ब्रेड को भी छोटे छोटे टुकड़े में तोड़े हैं ना, उसको हम इसमें डाल लेंगे। और इसके बाद हम इसका ढक्कन बंद करके इसको हम दरदरा सा पीस लेंगे, यानी कि इसका हम दरदरा सा पाउडर बना लेंगे। एक से दो बार मिक्सर चलाने के बाद ये देखिए अच्छे से पीस गया है। आपको मैं दिखाती हूँ हाथों में रख कर पास से, ये देखिए। तो इसी तरह से इसे पीस लेना है और अब इसको हम साइड में रख देंगे। और अब हम करेंगे स्टफिंग की तैयारी। तो स्टफिंग बनाने के लिए यहाँ पर हम ले लिए हैं 3 उबले हुए आलू। और अब हम आलू को ग्रेटर के मदद से ग्रेट कर लेंगे, यानी कि कद्दूकस कर लेंगे। तो इसी तरह से हम सारे आलू को कद्दूकस कर लिए हैं। और अब हम इसमें डालेंगे कुछ सब्जियाँ। तो यहाँ पर हम ले लिए हैं 1 मीडियम साइज के प्याज, बारीक कटा हुआ, इसे हम ऐड कर देंगे। और अब हम इसमें डालेंगे 1/4 कप बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च, 1/4 कप बारीक कटा हुआ गाजर। और अब हम यहाँ पर ले लिए हैं बारीक कटा हुआ 2 हरा मिर्च। हरा मिर्च आप अपने तीखा के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 छोटा चम्मच इसमें हम डाल देंगे ब्लैक पेपर, यानी कि काली मिर्च पाउडर। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, इसे आप ज़रूर डालिएगा। और 1 छोटा चम्मच इसमें हम डाल देंगे चिल्ली फ्लेक्स। चिल्ली फ्लेक्स के जगह पर आप लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। और स्वाद के अकॉर्डिंग इसमें हम डालेंगे नमक। तो नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार ही डालिएगा। और अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच ऑरेगानो। और अब यहाँ पर हम ले लिए बारीक कटा हुआ थोड़ी सी धनिया पत्ता, इसे भी ऐड कर देंगे। और अब इन सबको हम हाथों से अच्छे से मिलाते हुए मिक्स करेंगे, ताकि मसाला और नमक का जो फ्लेवर है सब्जी के अंदर तक चला जाएगा। आप चाहे तो इसे चम्मच से भी मिला सकते हैं, लेकिन हाथों से अच्छे से मिक्स हो जाता है। तो इसी तरह से हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे बाइंडिंग के लिए 1/4 कप चावल का आटा। आप चावल के आटा के जगह पर कॉर्नफ्लोर या आरारोट भी ले सकते हैं। इससे क्या होगा ना, जो हमारा नाश्ता है वो बहुत ही क्रिस्पी बनके तैयार होगा। तो इसे डालने के बाद इसे हम इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसे मिक्स करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे ब्रेड क्रम्स, जो अभी ब्रेड को हम मिक्सर जार में डालकर दरदरा सा पाउडर बनाए थे ना, यानी कि पीसे थे ब्रेड को, उसको हम इसमें ऐड कर देंगे। और इसे डालने के बाद इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिलाते हुए इसे हम डो फॉर्म में ले आएंगे। इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे, बिना पानी डाले इसे हम डो फॉर्म में ले आएंगे, क्योंकि जो हम इसमें आलू डाले हैं ना, उससे ही ये अच्छे से डो फॉर्म में आ जाएगा। तो ये देखिए, हम इसे अच्छे से मिक्स कर लिए हैं और ये हमारा जो मिक्सर है वो डो फॉर्म में आ गया है। तो अब इसको हम साइड में रख देंगे और हाथों को अच्छे से धुल लेंगे। और धुल कर हाथों में वायर लगा लेंगे, देखिए इस तरह से। वायर लगाने से क्या होगा ना, जो मिक्सर है वो हाथों में चिपकेगा नहीं। और थोड़ा सा मिक्सर लेंगे नींबू के साइज कितना बड़ा, और इसे हथेली पर रख कर घुमाते हुए लड्डू के शेप दे देंगे। तो ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ कितने अच्छे से बन के तैयार हो गया है। और इसी तरह से बाकी का भी हम बनाकर तैयार कर लेंगे। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में भी शेयर कीजिएगा, ताकि वो लोग भी इस टेस्टी रेसिपी को मेरे इस आसान तरीके से बना सके। और आप कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं, यानी कि किस सिटी से आप हमसे जुड़े हुए हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और बहुत ही अच्छा आप लोग का कमेंट रहता है, आप लोग का कमेंट पढ़कर मैं बहुत ही मोटिवेट होती हूँ। तो ये लीजिए, इसी तरह से हम सारे नाश्ते को बना लिए हैं। और अब हम चलते हैं इसे फ्राई करने के प्रोसेस में। तो फ्राई करने के लिए गैस पर एक कढ़ाई में हम तेल गर्म होने के लिए रख दिए हैं। तेल अच्छे से गर्म हो गया है, तो हम गैस के फ्लेम मीडियम कर दिए हैं।
और अब हम जो नाश्ता बनाए हैं उसमें से हम एक एक करके सावधानी से तेल में डाल देंगे। जितना एक बार में तेल में आ सकता है उतना डाल लेना है, और डालते ही इसे हम नहीं पलटेंगे, डालने के थोड़ी देर के बाद इसे हम पलटेंगे, यानी कि डालने के 1 से 1.5 मिनट के बाद इसे हम एक एक करके पलट लेंगे, और पलट कर इसे हम दूसरे साइड भी पकने देंगे। और एक बात के ध्यान रखना है, इसे हाई फ्लेम पर नहीं पकाना है, मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। और इसी तरह से इसे हम अलटते पलटते दोनों साइड गोल्डन कलर होने तक, यानी क्रिस्पी होने तक पका लेंगे। तो ये देखिए, इसमें बहुत ही प्यारा सा गोल्डन कलर आ गया है, यानी क्रिस्पी हो गया है। तो अब इसे हम एक स्ट्रेनर में निकाल लेंगे ताकि जो इसका एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाएगा, और इसी तरह से हम बाकी सारे बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये लीजिए, हमारा सुपर टेस्टी नाश्ता बनकर तैयार है। आपको मैं एक तोड़ कर दिखाती हूँ, ऊपर से बिल्कुल क्रिस्पी है और अंदर से नरम है। एक खाकर ना दिल खुश हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में। बाय, टेक केयर।